दोस्तों प्रोजेक्ट के मतलब कल्कि 2898 AD का ग्लिम्स आया रात के लगभग 1 बजे और भाई यार मानना पड़ेगा मेकर्स की चालाकी, उन्होंने क्या झटका दिया हमको। और गाइस मैंने इसको 0.25x की स्पीड पे देखा और कुछ इसमें मैंने ऐसा देखा जो आपने पक्का नहीं देखा होगा। और दोस्तों 0.25x की स्पीड पे देखने से इसकी कहानी का पता चलता है और इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट खुल जाता है। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि वो क्या सीक्रेट है और मेरा विश्वास मानो यार आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बड़े खुश होगे कि इसने क्या चीज बताई है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट लुक आया था उसके साथ साथ मेकर्स ने कहा था कि यहीं से गेम चेंज होगा। मैं इसको समझ नहीं पाया, इसके ग्लिम्स देखने के बाद मैं समझा कि मेकर्स उस वक्त क्या कहना चाह रहे थे। फर्स्ट लुक इतना वाहियात था, इतना घटिया था कि मैंने भी उसकी मजाक उड़ाई। लेकिन ये ही चाह रहे थे मेकर्स कि हम उसकी मजाक उड़ाएं और हमारी एक्सपेक्टेशन इस मूवी के लिए घट जाएं, ताकि दोस्तों उसका ग्लिम्स अगर थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो हम उसको सिर पे बैठा लेंगे। क्योंकि ये तो दोस्तों ह्यूमंस का नेचर ही होता है, जिससे हमको एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर दे तो दोस्तों हमें वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये ग्लिम्स तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, इसका फर्स्ट लुक बहुत ही खराब था। अब बात करें दोस्तों इसके ग्लिम्स की, तो ग्लिम्स में दिख रहा है साफ साफ कि कलयुग के एंड की स्टोरी बता रहे हैं ये, जो कि लगभग 2898 के समय की बात बताएंगे ये, मतलब आज से लगभग 900 साल बाद की बात। और यही समय होगा कलयुग के एंड का। इस समय चारों तरफ अंधकार रहेगा, शैतान लोगों का बोलबाला होगा, शैतान लोग पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। और यही दोस्तों हमारी माइथोलॉजी में भी लिखा है, पानी की एक बूंद भी धरती पर नहीं रहेगी, इंसान पानी के लिए तड़पेंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, इंसान परेशान रहेंगे, भूख प्यास से तड़पेंगे, लेकिन कोई भी दया करने वाला नहीं रहेगा। अब क्योंकि पानी की एक बूंद ही नहीं है तो दोस्तों खाने को अनाज कहां से आएगा, धरती पर बहुत तगड़ा काल पड़ जाएगा। तभी आएंगे भगवान कल्कि और इन बुरे लोगों का अंत करेंगे, और बुरे लोगों के अंत के साथ साथ कलयुग का भी अंत हो जाएगा और फिर शुरू होगा नया युग सतयुग। और यही दोस्तों हमारी माइथोलॉजी कहती है, वही ये मूवी दिखाएगी। मूवी के मेकर्स ने ये बात पहले ही कह दी थी कि ये मूवी महाभारत से लिंक है और ये हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को कुछ मॉडर्न तरीके से हमें दिखाएंगे महाभारत से जोड़कर। मूवी में दोस्तों प्रभास लीड रोल में है, जो कि कल्कि है इस मूवी के, वही इन पूरे शैतान लोगों का अंत करेंगे। दीपिका पादुकोण दोस्तों ग्लिम्स देखने में लग रहा है कि ये कुछ सीक्रेट रोल में है मूवी में, क्योंकि जब दीपिका को दिखाया गया है उस वक्त दीपिका बहुत सारी लड़कियों के बीच में है और उन सारी लड़कियों के बीच में से दीपिका पहचान में ही नहीं आ रही है। जैसे जैसे कैमरा पास जा रहा है तभी पहचान में आया कि ये तो दीपिका है। तो हो सकता है गाइस कि दीपिका मूवी में कोई सीक्रेट रोल में हो, वो दुश्मन की आर्मी में जाकर उनकी खबरें लाएं और बड़ी ही खुफिया तरीके से दुश्मन की आर्मी में ही रहें, क्योंकि अंदर की बातें अगर कोई जानता है तभी जंग जीती जाती है। ये बात साफ है कि ये हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दिखाएंगे लेकिन मॉडर्न तरीके से, क्योंकि ये प्रभास दीपिका या फिर सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल ही सुपर हीरो लुक में हैं, बड़े बड़े बाल, इंटेंस आंखें और फुल एक्शन कर रहे हैं, भैया स्लाइड मार के एंट्री ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों अपने असुर का सीजन 2 देखा हुआ कुछ ऐसा, वो भी कली कल्कि और कलयुग के अंत पर ही बेस्ड है और ये मूवी भी कली कल्कि और कलयुग के एंड पर ही बनी है। तो मेरे को तो याद आई, हो सकता है कि आपको भी याद आई हो इसके ग्लिम्स देखते वक्त असुर वेब सीरीज की, जो कि मेरी तो फेवरेट है ही, हो सकता है आपकी भी फेवरेट हो। और यार पर्सनली बताऊं तो ऐसी मूवीज या फिर वेब सीरीज मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है जो हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर बनी हो। तो असुर तो मेरी फेवरेट है ही, हो सकता है भैया ये कल्कि भी मेरी फेवरेट हो जाए। अब रिव्यू के साथ साथ दोस्तों सबसे अच्छी बात बताऊं कि मेरे को इस ग्लिम्स में क्या अच्छा लगा, तो भैया इस ग्लिम्स का बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा, जो कि दिया है संतोष नारायणन ने। अब आप देख लेना कि सरने मैंने सही बोला या फिर नहीं, लेकिन संतोष नाम है उनका और उनका बैकग्राउंड म्यूजिक भैया मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ग्लिम्स में। मेरा फेवरेट इस ग्लिम्स में वही है सब कुछ अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा इस ग्लिम्स का म्यूजिक था। म्यूजिक सुन के ही ऐसा लग रहा है कि हर तरफ हाहाकार होगा, हर तरफ अकाल पड़ेगा, हर तरफ गलत काम होंगे, लोग बाग तड़प रहे होंगे और सब कुछ खत्म होने वाला होगा, ऐसा फील करा रहा है ये म्यूजिक। अब बात करें कि 0.25x की स्पीड में मैंने क्या देखा, तो दोस्तों मैंने कुछ ये देखा कि अमिताभ बच्चन जो इस ग्लिम्स में दिखे, उनको देखकर ही मैं 100% श्योर हूँ कि वो इस मूवी में अशोक धामा के रोल में है। अब सुनो कि मैं इतना ज्यादा श्योर कैसे हूँ। दोस्तों आप ये वाला जब देखोगे ना सीन, तो इसको जूम कर लेना या फिर हो सकता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा हो अमिताभ बच्चन के सिर पे आपको लाल धब्बा दिखेगा, जो कि अशोक धामा के सिर पे था। अब वो लाल धब्बा दोस्तों और कुछ नहीं है, वो है खून, क्योंकि अशोक धामा के सिर से हमेशा खून बहता रहता है और वही दोस्तों इस सीन में दिख रहा है, वही आपको मूवी में दिखेगा, 100% श्योर हूं मैं। पर आपको पता ना हो तो दोस्तों बता दूं कि अशोक धामा के सिर से खून इसलिए बहता था क्योंकि उनके सिर पे एक मणि थी, उस मणि को महाभारत में निकाल लिया गया था और महाभारत की लड़ाई की वजह से अशोक धामा के पूरे शरीर पर घाव पड़ गए थे, सिंपल भाषा में कहूं तो चोटें लग गई थी। अब दोस्तों मणि निकाल लिया था तो वहां से खून निकल रहा था और पूरे शरीर में चोटें लग गई थी तो वहां से भी खून निकल रहा था, और वो खून दोस्तों हमेशा निकलता ही रहेगा, वो हमेशा चोटिल ही रहेंगे और वो पूरे कलयुग में अमर भी रहेंगे और ये सारे दुख को सहन भी करते रहेंगे, ऐसा श्राप दिया था श्री कृष्ण ने अशोक धामा को। अब क्योंकि
इनके पूरे शरीर में चोटें हैं, सिर से खून निकल रहा है। इसी वजह से दोस्तों अमिताभ बच्चन ने अपने ग्लिम्स में भी देखा होगा पूरे शरीर में पट्टी बांध रखी है। और वो पट्टी क्यों बांध रखी है, क्योंकि उनके शरीर में चोटें लगी हुई है। पट्टी बांध कर वो यही इंडिकेट करना चाहते हैं कि मेरे शरीर में चोटें लगी हुई है, इसीलिए मैं मेरी बॉडी आपको दिखा नहीं सकता साफ। और यही वजह है कि उन्होंने पट्टी बांधी हुई है। अब क्योंकि इनके पूरे शरीर पर पट्टी बांध रखी है और सिर पर लाल धब्बा है खून का, इससे ही दोस्तों ये प्रूव होता है कि अमिताभ बच्चन इस मूवी में अश्वत्थामा है। अब क्योंकि दोस्तों कलयुग का एंड होते ही अश्वत्थामा को इस शराब से मुक्ति मिलेगी, तो हो सकता है कि अमिताभ बच्चन इस मूवी में प्रभास की मदद करें कलयुग का एंड करने में या फिर बुरे लोगों को मारने में, क्योंकि जब बुरे लोग मरेंगे तभी कलयुग का एंड होगा। अब इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ नया जाना हो, आपको लगा हो कि किसने कुछ क्वालिटी कंटेंट दिया है, तो प्लीज यार लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो यार कंजूसी मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।